So hello ladies and gentlemen and welcome back to the channel. This is Speedy Leo and welcome back to this new video. So guys, today, आज अभी हम लोग जा रहे हैं उपवन के इधर टू मीट आवर सब्सक्राइबर स्लैश फ्रेंड. लास्ट वीडियो अगर आपने देखा रहेगा जिसमें हम लोग रफीक भाई के इधर से 5 स्पीड वाला केक उठाते हैं, उधर एक RX 100 रखा था, RX 135 है वो, RX 100 का बैज था सिर्फ उसके ऊपर, एकदम फुल्ली रेस्टोर्ड कैसा गाड़ी था वो, मस्त था ना एकदम. तो आज अभी हम लोग वही इंसान को मिलने को जा रहे हैं जो वो गाड़ी ओन करते हैं. मैं बोला क्या आपके पास टाइम है, कुछ वीडियो शूट करेंगे, कुछ बात करेंगे आपके गाड़ी के ऊपर. वो बोलते हैं श्योर. एंड मेरा पूछने का रीज़न भी ऐसा है क्योंकि अरे ये क्या उड़ रहा है रे, वो गाड़ी 135 cc नहीं 175 cc है. गाड़ी दिखने में एकदम स्टॉक है लेकिन इंजन फुल्ली ट्यून्ड है उसका, क्योंकि वो गाड़ी पहले ओन करते थे अपने छोटू भाई, जो उस दिन हमको केक बना के दिया सब, जो रफीक भाई के इधर जो काम करते, उनका खुद का 135 था पूरा बनाया था चेम्बर वेम्बर डाल के. तो फिर बाद में अभी एग्जैक्ट तो स्टोरी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी हम जाके उनको पूछेंगे कि कैसा क्या गाड़ी आपने लिया उनके पास से, कैसा काम किया सब. आज अपन डिटेल में बात करेंगे एंड वो गाड़ी भी चलाएंगे, उसका आवाज़ का भी कंपैरिजन करेंगे किधर है किधर है किधर है किधर है. ऐसे तो गाड़ी एकदम नया है, फुल चमकेगा एकदम वो. तो आज मैंने भी मेरा गाड़ी चमका के लेके आया एकदम. लेट्स सी. आ गया. हाउ आर यू ब्रो? अरे मैं अभी आया, जस्ट आया मैं. अरे देखा मैंने से. हाँ क्या? मैं उधर, चलो उधर जाएंगे वो वाला स्पॉट पे, नीचे 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 जाएंगे. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक है, फुल्ली ट्यून्ड इंजन फुल्ली ट्यून्ड है उसका, लेकिन दिखने में एग्जैक्ट सेम है दोनों गाड़ी. तो मैं भी मेरा गाड़ी धोके लाया आज. यश भाई को मैंने कल मैसेज किया था, बोला कि ऐसा ऐसा वीडियो शूट करने वाले हैं, तो भाई ने बोला कि मैं भी धो देता है और मैं भी धो दिया. तो अभी लगाएंगे दोनों गाड़ी को. एकदम क्लीन, एकदम क्लीन. सही है, मैं भी जस्ट धो के लाया, वैक्स किया. हाँ मेरे को थोड़ा वैक्स करना पड़ता है ना, थोड़ा टाइम लगता है. अभी 10 साल हो गया उसको रेस्टोर करके. 10 साल हो गए? हाँ ये 10 साल से ऐसे ही है, मतलब ये टैंक और पैनल छोड़ दिया ना, बाकी सब 10 साल के ऊपर है अभी भी ऐसे. सो हेलो गाइस, वी आर बैक हियर एट उपवन एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अपना RX 100 है, स्पीडी लियो वाला, एंड ये यश भाई का है RX 135. सो अभी हम लोग यश भाई से बात करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या उन्होंने मॉड किया और कैसा था उनका एक्सपीरियंस अभी तक का. एज यू गाइस कैन सी दिस इज द RX 135 विच बिलोंग्स टू मिस्टर यश एंड ये है अपना RX 100. एंड यश भाई प्लीज से हाई टू द व्लॉग एंड वेलकम टू द चैनल. सो यश भाई बताइए जरा कि ये गाड़ी आपने किधर से लिया, कैसे लिया और थोड़ा स्टोरी बताइए इसे. ये मैंने लिया था अगस्त में, जो रफीक भाई है उनके पास ही छोटू भाई करके एक है, तो ये उनका पर्सनल बाइक था. हाँ. तो मैं उधर गया था, मैंने मतलब लेना ही था मुझे बाइक, और मैं जा रहा था तो भी मुझे बाइक दिखा, तो मैंने बात किया कि कैसा है वगैरह, किधर मिल जाए क्या. तो वो लोग ने बोला कि ये मेरा खुद का पर्सनल बाइक है.
उधर से ट्रैफिक आएगा ना, ट्रैफिक अच्छा, हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल बाइक है, हमको बेचना है करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो बोले कि टोटल करके मैं आपको पूरा रिस्टोर करके हम ही करके दे देंगे, मतलब चलेगा, मुझे वैसे भी रिस्टोर करना ही है। तो ये रफीक भाई से ही लिया है बाइक, जो है उनका पर्सनल था, उनसे लिया था। तो इसमें कॉस्टिंग कितना आया रिस्टोर करने के लिए? ये टोटल पूरा, मतलब पूरा नट बोल्ट पूरा करके 30,000 में मुझे ऑन रोड पूरा पड़ गया। सब पार्ट रफीक भाई के इधर मिल गया, सब पार्ट, आपको कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब उनको गाड़ी ला के दिया एक दिन, और टाइम लगा दो तीन हफ्ते के बाद ऐसा पूरा नट बोल्ट उन्होंने किया। एंड अभी जो मेन बात, ये RX 135 नहीं, ये 175 cc है। तो इसका जरा बताओ कि मतलब क्या है एक्चुअल में, क्योंकि ये गाड़ी दिखता है ऐसा, मतलब सिंपल स्टॉक लेकिन अंदर से फुल मेनियक मशीन है, तो इसके बारे में जरा बताओ। ये मैंने जैसे कहा अभी ये आया दो हफ्ते पहले करके आया, उससे पहले था वो रिस्टोर्ड नहीं था, ऐसे ही मतलब जैसे स्टॉक था वैसे ही था। okay. और उस मतलब रफीक भाई ने तो किया ही था, वो पोर्ट किया था 175 cc। हाँ. तो वो अभी क्या है, ब्रेक इन पीरियड चालू है इंजन। हाँ. का तो अभी उतना पावर डिलीवरी नहीं आ रहा, क्योंकि वो पूरा इंजन खुला नहीं है। सही. तो अभी जब वो होगा तो जो पहले का पावर था ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो अलग ही था। मतलब वैसे कभी मैंने मशीन चलाया नहीं था जो ये था। exactly. जो 175 सीसी था वो अराउंड उन्होंने कहा कि 17 बीएचपी का पावर था वो टाइम, 17 बी, और ये 100 किलो के आसपास ट्रायम्फ ट्रिपल आर एस, ट्रिपल आर एस। सो बैक टू द ब्यूटीज, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है आर एक्स 111 bhp का पावर देता है स्टॉक, और 135 शायद से 13 का देता है। ये 4 स्पीड है ना, जो 5 स्पीड है वो 14 bhp है, और जो 4 स्पीड है वो 12 bhp स्टॉक था। और विद ट्यूनिंग वो 16-17 के आसपास, और वो टाइम 20-25 के ऊपर नहीं देता था, उतना ही देता था। और मैं बोल रहा हूँ ऐसा किया ना तो बाइक ऊपर उड़ जाता सिंगल सीट पे, सिंगल सीट, क्योंकि मेरा जो आरएक्स है ना वो डबल सीट किसको भी मैं बिठाएगा ना। हाँ. फर्स्ट गियर में मेरे को नहीं भी उठाने करेगा ना, वो गाड़ी उड़ जाती है, क्योंकि वो रियर एक्सल पे बहुत ज्यादा वजन आता है ना, इसलिए हाँ, exactly. वो इधर भी होता है थोड़ा, इधर तो होता ही ये है। भी एक चीज है, बहुत लोग को मालूम नहीं रहेगा, आरएक्स का वेट मेरे को जितना मैं फील किया है पीछे साइड पे ज्यादा बैठता है। गाड़ी चलाते ना आगे का कभी भी लूज लगता है, एग्जैक्ट दो जन बैठेंगे तो वो एक मेरे को लगता है वो चले बराबर, एग्जैक्टली, क्योंकि वो फ्रंट एक्सल पे जितना उससे ज्यादा रियर एक्सल पे बायस्ड है ना, एग्जैक्टली। सो हाँ, ये हो गया। फिर मेन बात, कितना देती है अभी आरएक्स का जो मेन जो सीन सबको मालूम रहेगा, आरएक्स देती नहीं सिर्फ लेती है। तो ये बहुत लोग पूछते हैं ना मेरे को भी कि मतलब आरएक्स कितना माइलेज देता है आपको, तो मेरा ना सच में मेरा ऐसा हर टाइम होता है ना, अरे भाई कुछ नहीं देती है सिर्फ लेती है। तो वो जो है अभी देखो, अभी मैं जैसे आपको बताया कि वो इंजन का काम करना है, इसलिए डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, अभी के लिए मत देखो, क्योंकि अभी 15 के आसपास दे रही है, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम है। पर वैसे देखा जाए तो 25-30 दे देती है, 25-30 तो देती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और हम चलाते भी वैसे है, जैसे आपको तो पता ही रहेगा। अभी वो भी एक चीज़ है कि मतलब लोगों का राइडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब गाड़ी, हर गाड़ी सबको सेम एवरेज देता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। हर गाड़ी राइडिंग स्टाइल जिसका जैसा रहता है। हाँ। अभी जैसा मैं मेनियक राइडर है, मैं पागल जैसा चलाता है, फुल भगाता है, कभी भी मैं माइलेज का सोचता ही नहीं, तो मेरे को दे देता है जो भी, मतलब एवरेज इंसान जो एक टॉप गियर पे चलाएगा, हाँ, ज़्यादा से हाँ। ज़्यादा कम से कम आरपीएम पे और हाईएस्ट गियर पे, उसको ज़्यादा देता है एवरेज। लेकिन अभी हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता, तो हम लोग भगाते तो क्या एवरेज कम देते हैं। आरएक्स वैसे तो हम लेते फन के लिए, तो फन मशीन है, तो डेली कम्यूटर इतना तो नहीं, हम तो फन के लिए लेते हैं, तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यस भाई, अभी ये तो 175 सीसी है, यस मैड मशीन। तो अभी इसमें आपको और क्या करने का है? मेरे को तो लगता है इसमें पहला तो ब्रेकिंग चेंज करना पड़ेगा। ब्रेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, पर गाड़ी का पावर बढ़ा देते हैं। हाँ, ब्रेकिंग छोड़ देते हैं, ब्रेक पे कोई ध्यान नहीं देते। कोई भी गाड़ी मॉड करेंगे ना अपन, हाँ। तो सबसे पहला तो जितना अगर आप पावर बढ़ा रहे ना, तो उतना ही ध्यान रखना चाहिए उसका ब्रेकिंग के ऊपर, लोग वही भूल जाते हैं। तो अभी यश भाई बताओ कि इसमें तो डालने का है वो। अभी इस पे जो मैंने शायद से रिसर्च किया था, तो अभी जो फर्स्ट जेन था ना, जिसपे ऐसा फर्स्ट जेन पल्सर था,
जिसमें ऐसा वाला हेडलाइट था, वो फेयरिंग नहीं था, उस पे जो डिस्क ब्रेक है वो शायद से डायरेक्ट फिट होता है, मतलब ज्यादा कुछ इस पे लेथ मशीन की वगैरह जरूरत है। ग्लैडिएटर, यामाहा ग्लैडिएटर, अच्छा वो सबसे फेमस है, यामाहा ग्लैडिएटर का डिस्क और पल्सर का डिस्क, और शायद से आरएक्स किंग, आरएक्स और आरएक्स जेड, ये तो सब मतलब आपको साउथ साइड में मिल जाएगा। तो वो भी मतलब फिटिंग में जैसे हो जाता है, तो वो पहले तो ये फर्स्ट तो ये देखो ना, थोड़ा ब्रेक का भी है, तो फर्स्ट तो लूज लग रहा है, पूरा दबता है, अभी मेरा कैसा ये दबता नहीं है, तो वो जो राइडिंग में कॉन्फिडेंस है वो इतना ये नहीं होता, पर फर्स्ट मैं तो बोल फर्स्ट मोड तो डिस्क ब्रेक रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि इतना मैड मशीन है तो करने के लिए। फिर उसके बाद चेंबर, हाँ नेक्स्ट तो फिर एक्सपेंशन चेंबर का तो है ही, उसमें भी शायद से मेरे को लगता है और एक दो बीएचपी बढ़ सकता है आराम से। वो उन्होंने मुझे बोला कि वो कैलकुलेटेड रहता है, ऐसे ही तो नहीं रहता, हाँ। तो वो 10% तो मिनिमम होता है, और ऊपर से और ट्यूनिंग किया ट्यूनिंग करेगा तो और अच्छे से, और आप कार चेंज कर दो उसका तो और बढ़ जाएगा, और भी मतलब करने के मैड करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि मतलब, इसलिए इसको ड्रैग में भी यूज करते हैं। और आरडी इसका बड़ा भाई, उसका तो आरडी 350 का तो बात ही नेक्स्ट लेवल चीज है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पक्का वो है, आरडी 350 इज द नेक्स्ट प्लान। सो इसके पहले आपके पास कौन सा गाड़ी था? इसके पहले मेरे पास बाइक ही नहीं था, बाइक ही रहता, मतलब ये मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। अच्छा, उनसे मैं लेके आया हूँ अभी, ये मेरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाथ हमारा भी है उसके, हाँ थोड़ा सा प्यार तो अभी हो गया है, क्या बात कर सकते हैं। तो ये है RX 135, और ये फुल्ली ट्यून्ड अपने डायरेक्ट आपके पास आया, मतलब आपने स्टॉक भी नहीं चलाया अभी। मेरा गाड़ी 100 चला के थोड़ा देख लो कि कैसा लगता है, हाँ। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि 135 का गाज लगाना पड़ेगा, कहाँ से तो कुछ अलग बनाना पड़ेगा। सो यही था कुछ अपना RX 135 के ऊपर अभी मैं। तो गाइस, ये कुछ अपना इन्फॉर्मेशन आज शेयर किया यश भाई ने, और अभी मैं इसको चलाने वाला है। अभी इसका ब्रेकिंग तो हुआ नहीं है, जैसे कि यश भाई ने बोला कि अभी इसका और मतलब थोड़ा खुला नहीं है अभी तक इंजन, तो थोड़ा सा पावर में थोड़ा फ़र्क लगेगा, क्योंकि मैंने मेरा एक फ्रेंड का RX चला है, RX 135 फुल्ली ट्यून्ड 175 cc, वो भी विथ चेंबर एग्जॉस्ट, तो वो गाड़ी का पावर मेरे को अभी भी याद है कैसा था, वो हर गियर में वो विली मारता था। तो अभी मैं इसको चला के देखेगा कि इसका पावर कैसा है। सो थैंक यू यश भाई, अभी मैं गाड़ी चलाएगा। तो सो गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल एंजॉयड, एंड नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा ये गाड़ी के ऊपर, RX 175 बार भूल जाते हैं, RX 175 फुल्ली ट्यून्ड अभी मैं चलाने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, राइड सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।